13.3 क्वेश्चन नंबर 8 वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। एक कोई नहर है जिसकी चौड़ाई दी है 6 मीटर और उसकी गहराई 1.5 मीटर की है। इसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पानी के बहने की है और अब ये बताना कि कितना एरिया वो 30 मिनट के अंदर सिंचित कर देगी, मतलब सिंचाई कर देगी या कवर करेगी। तो इफ द 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो जरूरत पड़ती है इतनी ऊंचाई की, इसलिए। इस क्वेश्चन में हमें पानी की स्पीड दी है, पहले पानी की स्पीड निकालेंगे हम। पानी की स्पीड तो दी है, पानी की लंबाई निकालेंगे। स्पीड कितनी दी है? 10 किलोमीटर पर आवर। और 30 मिनट में टाइम हमें कितना दिया? 30 मिनट का, ठीक। 30 मिनट में ये कितनी दूरी तय करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है पानी, ये हम पहले निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ वाटर, स्पीड वाला फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें क्या डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितनी दी है? स्पीड क्या है हमारे पास? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर में है हवा, मतलब घंटे में दिया है, और टाइम हमें 30 मिनट का दिया है। तो हम इस मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका घंटे में आ जाएगा, हावर में आ जाएगा। तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर हमारी पानी की लेंथ आ गई कि 30 मिनट में पानी 5 किलोमीटर जा पाएगा 30 मिनट में, और 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाता है, सीधी सी बात है। तो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, ये मीटर में हमने निकाल दी, लेंथ आ गई है। एक तरह से डिस्टेंस और लेंथ पाते की है, ठीक। अब हम देखेंगे वो जो कैनल है उसकी डिस्टेंस के हिसाब से। पहले इसका पानी का वॉल्यूम निकाल लो। जब लेंथ हमें मालूम चल गई है, लेंथ कितनी है ये, और कैनल की चौड़ाई कितनी है, वाइड ऑफ कैनल कितनी? 6 मीटर। और डीप मतलब गहराई ऑफ कैनल कितनी? 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ कैनल, वाटर लिख लो, लिख सकते हैं, कैनल भी लिख सकते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वाला फॉर्मूला, लेंथ कितनी? 5000, ब्रेथ हमारी 6 मीटर और ये 1.5। इसको सबको इनटू कर देंगे हम, 15 × 75 और 6 तो 45000, 45000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है कि नहर कितने एरिया को सिंचित कर रही है, सिंचाई कर पा रही है, जबकि सिंचाई करने के लिए जो पानी की हाइट है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पानी की गहराई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ। अब हम इसमें लिखेंगे
हाइट ऑफ वाटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 8/100 मीटर भी कर सकते हैं, मीटर में चाहिए हर चीज हमें। अब देखो कितना एरिया होगा, हम लिखेंगे ये वाला जो वॉल्यूम है वो नहर का वॉल्यूम है, कैनल का वॉल्यूम, जिसमें पानी जितने में पानी बह रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट फ्रॉम कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द रिक्वायर एरिया, द रिक्वायर एरिया। तो 30 मिनट में जितना वॉल्यूम पानी का है, जैसा कि ये है 45,000 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हम अब नहीं लिखेंगे क्योंकि जो खेत का एरिया जो होगा वो स्क्वायर में होगा, ये वॉल्यूम था ठीक, ये वॉल्यूम इसके एरिया के इक्वल में आएगा, इस एरिया के इक्वल में। तो इस पानी का एरिया क्या हम मान लेंगे, वो एक्स है जिसमें पानी को सिंचाई की जा रही है, एंड द सेंटीमीटर जो है हाइट है उसकी 8। यहाँ हम ऊपर लिख भी सकते हैं बीच में कहीं, सबसे ऊपर लिख देंगे लेट द एरिया इज एक्स, लेट द एरिया तो इसको हम यहां ले जाते हैं और इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा एक्स आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल करेंगे, 0, 8 5 40 5 50, 8 6 48 2 20, 8 2 16 4 40 8 5 40, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसमें 2 का इंटू 100 का इंटू ये एक्स आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में है क्योंकि जो एरिया निकला है, एक्स इज इक्वल टू 5625 00 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि जमीन हेक्टेयर में नाप के बताइए, इरिगेटिंग एरिया बाई कैनल इज इन हेक्टेयर ठीक। तो हेक्टेयर में कैसे 10,000 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, 10,000 का डिवाइड कर देंगे, 20 20 कैंसिल और 00 आएगा, इससे डिवाइड ये हो जाएगा इन हेक्टेयर, मीटर से हेक्टेयर बनाने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन 13.3, ए फार्मर कनेक्टेड ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक पाइप है 20 सेंटीमीटर का, फ्रॉम ए कैनल इनटू सिलेंडर टैंक, एक नहर से एक सिलेंडर टैंक में कनेक्ट कर देता है उस पाइप को। इन हर फील्ड, उसकी किसी खेत में ऐसा कोई सिस्टम होगा, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, इस टैंक का डायमीटर उन्हें दिया है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 मीटर हो जाएगी और हाइट का डीप मतलब गहराई 2 मीटर की। इफ वाटर फ्लो थ्रू द
पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब उस पाइप से जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओ, सबसे पहले तो पानी की स्पीड दी हुई है हमें, और टंकी की गहराई है, पहले टंकी की गहराई लिख लेते हैं, बेलनाकार टंकी की। तो सिलेंडर जो है हाइट या गहराई, हाइट लिखते हैं अपन, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितनी दी है? 2 मीटर। ठीक, और इसका डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर इज 10 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होगी 5 मीटर की। अब इसमें जो हमें पाइप लगा हुआ है जिससे पानी टंकी में आता है उस नहर से, तो पाइप का डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ ऑफ पाइप कितना है? 220 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो इसलिए मीटर में चेंज करेंगे अपन, 100 से डिवाइड करके, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 0.1 मीटर। इसे हम R1 लिखेंगे और इसे हम R2, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो रेडियस में। अब देखो, रेडियस हमें मालूम है, पाइप की स्पीड जो है पानी की, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3000 मीटर 1 घंटे में, इन 1 आवर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं अपन। अब हमें पानी की स्पीड भी पता है, रेडियस उस पाइप की मालूम है, तो पानी की जो पाइप में पानी है उसकी लेंथ भी मान के से चल सकते हैं, वो जो रेडियस है उस पाइप में। तो पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक कैसा सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, और रेडियस कितनी है हमारी? 5, और आर स्क्वायर, और आपकी ये कितनी है? 2 मीटर हाइट है, तो ये कितना हो गया? 50 मीटर। 25 दूनी 50 मीटर, 50 पाई लिखेंगे हम। मैं पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि जो पाइप की 50 पाई जो है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, फालतू में उसका इंटू और डिवाइड करना पड़ेगा। और जो स्पीड जो पानी की, पानी में जो पाइप है, पाइप का शेप कैसा हो रहा है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है ना, इससे इसके वॉल्यूम में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब पाइप में जो पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो इन पाइप, जैसा पाइप है सिलेंड्रिकल वैसे ही तो पानी उसमें बहेगा ना, वैसे ही फ्लो होगा। तो पानी की लेंथ क्या हो रही है? पानी की हाइट होगी ये 3000, लेंथ बोलें या हाइट बोलें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ही कहलाएगी, तो उसका वॉल्यूम भी तो निकालना पड़ेगा हमें। तो ये 3000 इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट अपन लेंथ लिखेंगे इसको, लेंथ कितनी? 3000 मीटर की, और 20 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इसका रेडियस है, रेडियस कितना है 1 मीटर का, 0.1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितनी है? 0.1, 0.1 और
3000, तो 10, ये भी 10, 10 जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, बचा कितना 30, 30 से कम, 30 से कम एक ही बचेगा, 30 पाई, ये हमारे पानी का वॉल्यूम आ गया। ठीक, टैंक का वॉल्यूम ये है और एक घंटे में पानी का वॉल्यूम ये आ रहा है, एक घंटे में बात हो रही है, इन वन आवर, इन वन आवर, एक घंटे में पानी का वॉल्यूम, पाइप में पानी का वॉल्यूम इतना है एक घंटे में, तो 50 पाई को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये उसका टैंक का वॉल्यूम है पूरा, एक घंटे में पाई पानी का वॉल्यूम आ गया, तो हमें 50 पाई को फिल करना है 30 पाई से, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर फिल टैंक, टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 50 पाई का वो टैंक है और पाइप द्वारा पानी आ रहा है 30 पाइप, पाई से पाइप कैंसिल, 22 अपन 27 से इंटू कर दे तो उसे डिवाइड में करने में प्रॉब्लम आती, फिर जीरो से जीरो कैंसिल, बचा गया 5/3, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको कैंसिल मत करो, इतना घंटे लगेंगे, ये हमारा घंटे में टाइम आ गया, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे हम, टाइम इन मिनट, मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे, 60 से इंटू कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से, 29 और इसका इंटू हो जाएगा तो 100 मिनट आ जाएगा, मिनट उल्टा लिख दिया, 100 मिनट्स, तो 100 मिनट में ये टैंक इस पाइप से फिल हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी।